بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل سورة العصر ہیں أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم आस ओल इसको ओयल करके नहीं पढ़ना है आराम से मिलाना है इसका जो मखरज है लाम का उसके साथ आराम से मिलेगा आस आस नहीं पढ़ना आस आइन की आवाज़ और स्वाद की आवाज़ आनी चाहिए सीन के नहीं और रोह को पुर करके पढ़ना है रोह साकीिन हो उससे पहले साकिन हो उससे पहले वाला अगर ज़बर या पेश है तो मोटा पढ़ेंगे ठीक है والعصر إن الإنسان إذا نون مشدد بها قلنا هوغا إن نل نل كر كاين هلانا نية لام كو إن الإنسان إس همزة كو جاب نون سي ملانا إخفاء هوغا सीन को खींच के पढ़ेंगे याफ मद्दा की वजह से इन खुसर खसरो फाको खींचना या मद्दा की वजह से खुसर असल में जब दो साकिन इकट्ठे हो जाते हैं रॉ क्योंकि वक्त की वजह से साकििन हो रहा है तो पहले साकििन से मिलाते हैं हम हर अफ को खौस सीन के साथ मिलाएंगे और रॉ की हल्की सी आवाज़ आएगी री हु सर नहीं देना। पढ़ देना हु सर पड़ दिया या सर पढ़ दिया तो लफ्ज़ औरत हो जाएगा क्योंकि सीन तो पहले से साकिन है सौद पहले से साकििन है आप सर या सर पढ़ देंगे उनको तो उसके ऊपर आप जबर डाल देंगे इसको गौर से सुने और प्रैक्टिस करें इसकी बार बार इनुमजा को लाम से सख्ती से मिलाया लाम को लाम से फिर सख्ती से मिलाया लाम को दूसरी दफा पढ़ा जाल को या से जब मिलाना है खींच कर पढ़ना है क्योंकि यह मद्दा है और दाल को नरमी से पढ़ना है मैंने आपको बताया था कि दाल को नरमी से पढ़ते हैं हरफ़ जा को सख्ती से पढ़ते हैं हमजा को खींचेंगे खड़े व ज़बर की वजह से नून को खींचेंगे वाव मद्दा की वजह से इ आमनू आइन की आवाज़ सही होनी चाहिए लाम को सौद से सख्ती से मिलाना है फिर खींचना है हा की आवाज़ सही होनी चाहिए ता को ता में नहीं कन्वर्ट करना है ती वाव को खींचेंगे अलिफ मद्दा की वजह से स्वाद को जब वाव से मिलाएंगे वाव लीन है इसलिए जल्दी और नरमी से बढ़ेंगे बिल्क कला तय बिल्ह तय विल है इसी तरह बाओ को खींचेंगे मद्दा की वजह से सौद के बाद बाउलिन है जल्दी और नरमी से पढ़ेंगे बा को सौद से सख्ती से मिलाएँगे और बाप एक कलकला होगा और बा को पुर करके पढ़ेंगे ठीक है मैं पढ़ता हूँ पूरी सूरत को तवज्जो तो से सुन लिया बसमी والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر इस सूरत को भी आप बार बार सुनेंगे तो इन आपको अच्छा आ जाएगा पढ़ना हमारा यूट्यूब चैनल है करी अरसलान भट पीके के नाम से उसको सब्सक्राइब करें उसके ऊपर और भी वीडियोस हैं उनको भी आप सुनें बार बार सुनेंगे सारी वीडियोस को तो आपका तलफ़ुज और बेहतर हो जाएगा नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए अल्लाक वरहमु व वरक़